अगर आप है नंबर 7 और जाना चाहते हैं कि आने वाला न्यू ईयर 2022 आपके लिए कैसा होगा, तो जुड़े रहिए, इसी विषय में आज बात कर रहे हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते आप ही के बर्थ नंबर से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं। इस सीरीज में अब तक हमने बात करा है कि आने वाला न्यू ईयर 2022 नंबर 1 से लेकर 6 तक के लिए कैसा होगा। आज है आपका नंबर 7, तो अगर आपका बर्थडे है 7th को, 16th को या 25th, यानी किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 या 25, तो वो होगा आपका जन्मांक या मूलांक। ये वर्ष आपके लिए कैसा होगा आज बात कर रहे हैं। इससे पहले कि शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़ जाइए इनविंसिबल परिवार से। आने वाले वर्ष को लेकर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा सबके मन में होती है। ये मेरे कुछ एनालिसिस हैं, तो यूं कहूंगी कि नंबर 7 को केतु से जोड़ते हैं। केतु यानी आपकी जड़ें, केतु यानी मोक्ष, केतु यानी डिटैचमेंट। ये केतु आपको सिखाता है। अब सिखाने का ये नजरिया 2022 को जोड़ने से आया है 6, यानी शुक्र का साल। वैभवता, मटीरियलिज्म, यूं कहूं कि जो दिखावा है या चीजों को बेहतर कैसे करें, वैभवता का अंक है ये वर्ष। उस केतु को यानी नंबर 7 वाले जो हैं, तो उनको सपोर्ट दे कैन एक्सपेक्ट कि 6 और 9 से मिल सकती है। पर जैसा ये साल 2021 रहा 5 का, दोनों सालों में एक चेंज ये आप नोटिस करेंगे कि नंबर 6 नेक्स्ट ईयर में आपको एक ऐसी एनर्जी लगेगी कि आपको लगेगा लेट मी बी मोर इंडिपेंडेंट, मैं चीजें स्वयं करूं। ये एनर्जी जब आपको महसूस हो, तो उसके लिए आपको मेरा सुझाव ये रहेगा, गेट कनेक्टेड, मेडिटेट करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाली जो फीलिंग होगी, क्योंकि सडनली एनर्जी बदल रही है। ओवरऑल ये नंबर 7 मिस्टिकल नंबर है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है। उसका जिस चीज में ध्यान जाता है, उस चीज को पकड़ के चलता है। ये वो नंबर है, अगर कहूं कि करते हुए भी एक्सपेक्ट नहीं करता, अपने आप में खुश रहने वाला नंबर है। और यही है वो स्मार्टनेस, टेक्नोलॉजी फील्ड में या रिसर्च इंडस्ट्री में, जो जड़ों तक, गहराई तक पहुंचते हैं। तो अगर आपको कभी कोई दिखे जिसने बहुत कमाल किया है रिसर्च के वर्ल्ड में, या खोजी है या योगी है, मान लीजिएगा कि 7 का कमाल जरूर है। तो ये साल आपके रिश्ते के लिए कैसा होगा, जब अकेले रहने का मन करे तो फोर्स योरसेल्फ, अपने पर मेहनत करें कि नहीं, अकेले नहीं बैठना, चलो मिलते हैं, अकेले समय ना बिताएं, क्योंकि शायद आपको अकेलापन नहीं पसंद है लेकिन एकांत पसंद है। तो औरों को शायद लगता है कि व्यक्ति स्वार्थी है या घुलता मिलता नहीं है, आपको एकांत में अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि साइलेंस आपका मन रहता है, तो आप खोजते हैं जो ढूंढना होता है। अगर रिश्तों को बेहतर करना है इस साल आपको, तो ट्राई टू सोशलाइज मोर, लोगों से घुलिए मिलिए ज्यादा। करियर की बात करें, तो अगर आप इन इंडस्ट्रीज से हैं जो मैंने अभी शेयर करा, तो आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली हैं। और अगर आपको कहीं लगता है कि आपका करियर अटका हुआ है, ग्रोथ नहीं हो रही है, एज अ हॉबी किसी ऐसी चीज में यूज कर लें जहां खोजने का काम हो। मान लीजिए किसी को एनालिटिक्स या डेटा रिलेटेड या कोई ऐसी चीजें चाहिए, वहां भी अगर आपके पास समय है तो टाइम इन्वेस्ट करके कहें लेट मी डू द रिसर्च, मैं रिसर्च करके आपको डिटेल्स देता हूं। या एक ऐसी हॉबी अपना लीजिए जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत करियर में ग्रोथ नजर आएगी। ये जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूं, अपने काफी सालों की प्रैक्टिस के बाद शेयर कर रही हूं, तो इसे यूं ही नजरअंदाज मत करिएगा। जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, जान गए होंगे कि इस टिप के पीछे कितनी गहराई है। करियर के लिए आपको ग्रोथ करना है, तो गेट इन्वॉल्व्ड इन सम रिसर्च रिलेटेड वर्क, अदरवाइज आपको ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, यू विल स्टिल फील जैसा 2021 में हुआ, 2022 में महसूस करेंगे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। मनी वाइज अब देखिए, काम अच्छा, रिश्ते पे फोकस करा, तो अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं, तो ग्रोथ भी आप देखेंगे मनी वाइज। बट यूं कहूंगी कि आपको ग्रोथ थोड़ी नजर आएगी जुलाई के मंथ के बाद से, या यूं कहूं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से भी आपको थोड़े से रिजल्ट नजर आने लगेंगे। बाकी नेक्स्ट ईयर तो आपका है ही 2023। मनी वाइज थोड़ा सा संभाल के खर्च करिएगा, यूं तो आप बहुत केयरफुल होते हैं, लेकिन
कभी समय ऐसा आता है कि आप बगैर सोचे समझे खर्च करते हैं, आपका यह है जब आप खर्च करेंगे तो पैसे वापस आएंगे भी आपको, कीप दैट इन माइंड, स्पेशली दिस ईयर 2022। सेहत की बात करूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको गैस रिलेटेड, या खाने में ध्यान नहीं दिया तो खाने की बातों पे ध्यान दें, खाने की चीजों पे ध्यान दें, जब आप बात करते हैं तो स्ट्रेस ना लें, तो उन चीजों को अगर आपको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है कि स्ट्रेस नहीं हो, स्ट्रेस से आपको एंजाइटी या गैस रिलेटेड इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम आती है या ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज, एक हैबिट बना लीजिए कि फ्रेश फ्रूट जूसेस पिएं, लिक्विड फ्लो आपके अंदर ठीक रहेगा तो आपका जो ब्लड क्लेंसिंग होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, वो आपको बहुत हेल्दी रखेगा। डायरेक्शंस के नाम पे साउथ वेस्ट अपना दक्षिण पश्चिम बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटीज के लिए और आपके अंतर्मन को जोड़ने के लिए वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूं तो इस साल का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, तो उसे भी बिल्कुल देखिएगा कि साफ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नेम फेम इस साल का तो किंग हो गया ये डायरेक्शन। बात करिए हमने आपके रिलेशनशिप की, आपके करियर की, आपके मनी की, आपकी हेल्थ की। दिनों की बात कहूं तो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि ट्यूसडे सैटरडे और फ्राइडे आपके लिए खास रहने वाले हैं इस साल। नॉनवेज आप में से बहुतों को वैसे भी पसंद नहीं है, पर अगर आदत है ड्रिंकिंग की या कोई ऐसी एडिक्शन है या नॉनवेज की, तो अवॉइड करिएगा स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडे। आपको 609 के सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। कलर्स एक बहुत स्ट्रांग रेमेडी होती है और मेरा बोनस टिप इज ऑन इट्स वे विच यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस। कलर्स की जो रेमेडी होती है उसका लॉजिक वही होता है कि जब आप कोई अंगूठी पहनते हैं तो उस रंग की ऑरा आपके शरीर से छूती है, तो जो कमी है उसे पूरी करती है। जब आप कलर्स की बात कहूं, लाइटर कलर्स, सिल्क, ऑफ वाइट, लाइट वाइट, जो दूध के कलर्स होते हैं ना जैसे, उनको यूज करिए। जैसे मोती का रंग होता है, पानी का रंग होता है, उनके शेड्स को आप यूज करिए। लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, वो आपको बहुत सूट करेगा। ओवरऑल ये साल का आपका एफर्मेशन होना चाहिए कि रोजाना ये सोने से पहले 11 दफा या सुबह उठ के 11 दफा या लिखें या बोलें, और जब बोलें तो अपनी आंखों में आंखें डाल के देखें, क्योंकि सुनाना कानों को नहीं है, मन को सुनाना है। एफर्मेशन आपकी है इस साल के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को है बर्थडे आपका, आई एम ग्रेटफुल फॉर इनर गाइडेंस एंड जॉय इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर इनर गाइडेंस एंड जॉय इन माई लाइफ। पूरी की पूरी इस साल अपकमिंग 2022 की अगर आपकी एनालिसिस करूं तो वो सिर्फ इतना कहूंगी, पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू सोशलाइज। वैसे आप कोशिश करते हैं, घुलते मिलते हैं, आप पार्टी में कम जाते हैं या पार्टी में भी जाते हैं तो शायद आपको अकेलापन महसूस होता है कि किससे क्या बात करी जाए, आपको दिखावा पसंद नहीं है। इस साल का कमाल ये है, नंबर 6 है, तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति दूसरे से आगे दिखाने की कोशिश करेगा। आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है कि गो सोशलाइज, अकेले कम बैठे, लोगों से ज्यादा मिलें, क्योंकि नंबर 7 की जो एनर्जी है उसे हम पॉजिटिव में चेंज इसी से कर रहे हैं कि जिस चीज को महारत देता है उस काम से जुड़े, और एकांत प्रिय होने की बात है तो मेडिटेशन और योगा करें, अदरवाइज गो कोलैबोरेट, गो मीट अदर्स। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड, इसे शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।